बोलो बोलो। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज अनमोल जैन फ्रॉम बुलबुल एक्शन अपरमपुर। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे रहोगे। सो गाइज, आज है अभी हम मंदिर से स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग अपना। तो आज भैया जी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? शाम को। नहीं, टाइम नहीं बोल रहा मैं, कहाँ से आ रहे हैं नहीं पता, लोग को नहीं पता गाइज, जब आएंगे तब बता देंगे कहाँ से आ रहे हैं। ओके, क्या हाँ, नवरंगपुर को आ रहे हैं, नवरंगपुर से नहीं आ रहे हैं, आगरा से आ रहे हैं, आगरा से आ रहे हैं। तो आंटी को पता है, वो बता रहे हैं कि आगरा से आ रहे हैं। तो वो हम लोग बच्चों लोगों की क्लास लेंगे, पढ़ना है तुमको, पढ़ना है ठीक है। याद करा देगी नहीं, याद नहीं कराएंगे, वो आपको समझाएंगे कैसे दर्शन करना है, कैसे दर्शन करना है, कैसे आना है। तो क्यों लड़ाई करते हो? अभी क्या कह रहा था उससे रिद्धू से, तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है? रिद्धू कहते हो ये ना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। रिद्धू से कह रहा था क्या? क्यों नहीं, पर तो छोटा हूँ। क्यों, कितनी गर्लफ्रेंड है? अरे तेरी तेरी रिद्धू की, तेरी कितनी है? अरे तेरी मेरी नहीं है, रिद्धू की है। अच्छा, बहुत बड़ा दिमाग है भाई तेरा। तो चल इंट्रोडक्शन करना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड़िया दीदी को ना ये बोल दिया था जिसमें तेरी बैठने की औकात नहीं। अच्छा नहीं, गाइस इनकी कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, अपन चलते हैं। इंट्रोडक्शन दे रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है, बोल। हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग अनमोल। तू बताना कनक जैन के नाम से बता, चल कनक जैन के नाम से। अरे भाई शर्मा के चले गए ये लोग। और कोई बता सकता है इंट्रोडक्शन? नहीं, नहीं, नहीं। कौन बता फिर? आज भैया जी आएंगे। नहीं नहीं, वो तो हो गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ऐसे बोलो, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज अभी हम लोग ने मंदिर से स्टार्ट किया है और आज बोलो बोलो। हेलो गाइस, थैंक यू ब्लॉग, आज हम मंदिर से स्टार्ट किए किसको? अच्छा, और अच्छा अच्छा सो गाइस, टाइम अभी 8:15 हो रहा है, तो अब जाएंगे घर, फिर जाएंगे सो। तो गाइस, विदाउट माइक नॉइज पोल्यूशन कुछ ऐसा है, आफ्टर मतलब माइक लगाने के बाद नॉइज़ पोल्यूशन कैसा रहेगा वो देखते हैं। तो मैं लेकर आया हूँ माइक, बोया का लेकर आया हूँ, उसको भी आज शॉप पर ही अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर उसको लगाने के बाद देखते हैं नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है। हुआ क्या रिशु? हैं, ये शायद बोल रहा है नहीं होगा, स्पीकर वो जो माइक लगाएंगे ना वो लगाने के बाद फिर नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, हाथ से ही पकड़ के बोल रहा है, लोग सब जानते हैं गाइस, हम लोगों को कुछ नहीं पता है ना बेटा? दिमाग बोला था ना, दिमाग में बहुत बड़ा हूँ। हाँ दिमाग में बहुत बड़ा है ये, हम लोग कुछ नहीं है इसके सामने। सो ये मैं जो शूट कर रहा हूँ ये दूसरा फ़ोन है, फॉर डैट रीज़न क्लैरिटी नहीं आ रहा है, मेरा फ़ोन रिपेयरिंग के लिए वो गया हुआ है, वो आ जाएगा तो फिर उसे शूट करेंगे। सो जानवी जैन, जय जनीन, कहाँ चले आप? मंदिर है, चलो दर्शन करके आओ। क्या शूट कर रहे हैं? ब्लॉग फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हैं। और कुछ हैं? पापा गए हमारे, पापा अभी हेल्प कर, अभी तो खा रहे हैं, फिर मंदिर आएंगे। तो पापा से पहले बेटा आ जाता है, देखो पापा बाद में आते हैं, बेटा पहले आ जाता है। कितने बजे आते हो आप मंदिर? मैं अपनी बुआ के साथ।
तो गाइस ये बुआ के संग आता है और सुबह सुबह आता है, मतलब अराउंड जब मैं आता हूँ ना तो ये रहता है यहाँ पे, और इतने जल्दी आ जाता है। जब ये छोटा होके आता है तो आप बड़े होके क्यों नहीं आ सकते हो? तो सब लोग मंदिर जाया करो सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा रहता भी है। ठीक है ना, भगवान ने बहुत मंत्र पढ़े हैं मंदिर। हाँ, भगवान जी ने बहुत मंत्र पढ़े हैं मंदिर जी के ऊपर। और कुछ अदर मंदिर डेली दर्शन करने से क्या होता है? भगवान पर ये आ रहा है डेली, वो सब सारे बच्चे आते हैं, अभी तो वो लोग चले गए घर पे, सारे बच्चे आते हैं, हम लोग भी आते हैं, तो मंदिर आया करो गाइस। मैं खेलने के चक्कर में अपने पाजी के जंगल मैं खेलने के चक्कर में पाजी के जंगल में बैठा, अब तक बुआ में थोड़ी देर में मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है गाइस, ये क्या बोल रहा है, पर जो भी बोल रहा है बहुत मस्त लग रहा है। गाइस डायरेक्ट शॉप पर मिलेंगे वरना घर पे मिलेंगे, लेट्स गो, अभी हम जा रहे हैं घर। सो फिलहाल चाय रेडी है विथ टॉस्ट एंड मिक्सचर। सो गाइस नाश्ते में तो चाय ले लिया, अब अपन जा रहे हैं दुकान, और यह है हमारे पास माइक बोया का, इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और यूज़ करके दिखाएंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन असल में हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कम्प्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, और थोड़ा बहुत रह गया है, ये वाला तो पूरा लाइन कम्प्लीट हो गया, स्ट्रीट का हो गया, स्ट्रीट का चल रहा है और स्ट्रीट का चल रहा है। ये ड्रेन बन गया, ये ड्रेन रह गया, इधर पानी भरा हुआ है, जब पानी निकल जाएगा तब यहाँ पे काम स्टार्ट होगा। तो गाइस फिलहाल तो चल चल के चल रहे हैं, कोई मिल जाएगा तो चले जाएंगे, कोई जान पहचान का मिल जाएगा तो उनके संग बैठ के चले जाएंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है अपनी शॉप। हे गाइस भैया, एक भैया मिल गए, उनके संग जा रहे हैं अब। फाइनली पहुंच गए गाइस बुलबुल डेकोरेशन, अब इसको ओपन करते हैं, तब तक स्टाफ आ जाएंगे। बाय द वे इसका बोर्ड चेंज करना है, बोर्ड थोड़ा, ये है पांडा टैटू, ये है हमारा बुलबुल बैग हाउस, बोर्ड चेंज करना है एक विद इन 1 वीक में मैं इसको चेंज करूँगा। गाइस दुकान हो रही है फिलहाल ओपन, मतलब मैंने ऑलमोस्ट खोल लिया है और साहिल आया हुआ है, तो अपन को इसको करेंगे अनबॉक्सिंग। बोया ये उल्टा दिख रहा है बिकॉज मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, जो फ़ोन से शूट कर रहा हूँ उसमें सेक ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ दिनों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ चेक कर लेते हैं, फिर नया मेरा जो फ़ोन रिपेयरिंग के लिए गया है वो आ जाएगा तो उससे अच्छे शूट करेंगे। तो अभी नॉइज़ पोल्यूशन आ रहा होगा, मतलब थोड़े साउंड वगैरह आ रहा होगा, इसको लगा के देखते हैं साउंड आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका अनबॉक्सिंग, इसमें दिया गया है कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब जिसको हम कभी पढ़ते नहीं हैं ऐसे रख देते हैं। सो मेन वर्क इसका है गाइस, इसके वजह से नॉइज़ पोल्यूशन नहीं आता है, जो है सब यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, तो मेरा 1+80 में सी टाइप है, उसकी वजह से फिर मैं ये अडेप्टर लेकर आया जो कि उसने मेरे को फ्री में दिया, और इसमें 2 केबल दिए गए हैं। ठीक है, एक लंबा वाला दिया है, एक छोटा वाला दिया है, तो फिलहाल हम लंबा वाला लगाएंगे बिकॉज जो ट्राइपॉड में मैंने फोन सूट सेट किया है उसमें कुछ ऐसे सिस्टम नहीं है जहाँ कि हम इसको लगा सकें। एक और ट्राइपॉड है जिसमें हम इसको लगा सकते हैं, इसको लगाने के ऊपर फिर इसको ऐसे असेंबल करेंगे। ठीक है, तो साइड में मिक्सी चल रही है तो कैसा आवाज़ आ रही है, अब इसको लगाते हैं देखते हैं आवाज़ आएगी नहीं आएगी। गाइस फाइनली असेंबल कर दिया है, अब जो भी बात कर रहा हूँ सब इसके थ्रू ही जा रहा है, इस माइक के थ्रू ही जा रहा है वीडियो में, तो होपफुली नॉइज़ पोल्यूशन नहीं हो रहा है। मैंने तो बोल दिया कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब मैं इसको वीडियो को काट कर मैं चेक करूँगा कि नॉइज़ पोल्यूशन वाकई में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो गाइस नॉइज़ पोल्यूशन नहीं हो रहा है, जब से ये लगाया है नॉइज़ पोल्यूशन नहीं हो रहा है, मैंने जस्ट अभी चेक किया है, उतना नहीं हो रहा है, हो तो रहा है बट उतना नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे ये बेनिफिट है कि नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा, हम लोग प्रॉपरली शूट कर सकते हैं दुकान पर, बिकॉज दुकान पर हम जब भी शूट करते हैं आगे से गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं और मतलब आवाज़ें आ रही हैं, देखो अभी भी हॉर्न बज रहा है, तो इसके वजह से क्या है थोड़ा मतलब डिस्टर्बेंस होता है वीडियो शूट करने में, मेरे को बार बार रिटेक करना पड़ता है। अब इसके वजह से शायद ज़्यादा मुझे रिटेक नहीं करना पड़ेगा, फिर भी आवाज़ें हो रही हैं, अब इस आवाज़ को तो रोक नहीं सकते, बेटर है ये यूज़ कर लें। तो ये बोया का है, बोया का माइक बहुत बेहतरीन क्वालिटी है,
अगर किसी को भी चाहिए तो आप ऑर्डर मेरे को पर्सनली ऑर्डर कर सकते हो, मैं मंगा दूंगा आगरा से, जो कि बहुत जेन्युइन रेट में मिल रहा है, ओनली ऑन 950। किसी को भी चाहिए मेरे को बताइए, बिकॉज इसकी रेट वेबसाइट में बहुत ज़्यादा है। ओके सो गाइज, आज नाश्ते में बना है ब्रेड चॉप, जो कि घर पर ही बना है। ब्रेड को बेसन में डाल के फ्राई किया गया है, मतलब वैसे ही बनाया है शायद। अंदर आलू भी है क्या? अंदर आलू है मम्मी? आलू भी अंदर। तो गाइज, आज का व्लॉग करते हैं हम एंड। जो भी हम बात कर रहे हैं सब इसमें माइक में ही बोल रहे हैं, तो ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट टाइम इसको ही लगाऊंगा मैं, बिकॉज मेरे पास ट्राईपोड है, उसी में लगाऊंगा। वो ट्राईपोड मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया है। उस ट्राईपोड में ये परफेक्टली फिट हो जाएगा। ओके तो गाइज, माइक लगाने के बाद कैसा लग रहा है? मतलब परफेक्टली नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, उससे ये पता चल जाएगा कि चलो कुछ तो क्लैरिफाई हुआ इस माइक लेने का, कुछ तो फ़ायदा हुआ। वास्तव में माइक अच्छा है। अब आपको कैसा लग रहा है वो आप कमेंट में बताना। तो अभी टाइम 8:15 हो रहा है, तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।